नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका होगा राष्ट्रतिलक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगर आप महाराष्ट्र और हरियाणा में हैं तो वोट डालने जरूर जाइए, क्योंकि अभी तक वोट प्रतिशत काफी कम है। फिलहाल तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस तो दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर के लिए आज इम्तिहान का दिन। मोहन भागवत संघ प्रमुख की तस्वीर आप देख रहे हैं, नागपुर में उन्होंने अपना वोट डाला, सावरकर पर बयान भी दिया। और ये अब फिल्म स्टार्स को आप देख रहे हैं, आमिर खान एक दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शाहरुख और आमिर की मुलाकात हुई थी। इधर सुनाते हैं आपको लारा दत्ता क्या बोल रही है। बहुत एज अ सेलिब्रिटी इज बहुत कम मेट्रो वेट्रो यूज करते हैं, लेकिन द इंपैक्ट ऑफ इट ट्रिकल्स डाउन एवरीवेयर, सो इट डजंट जस्ट इंपैक्ट द पीपल दैट आर यूजिंग, इट इंपैक्ट्स द एंटायर सिटी। सो फॉर श्योर आमिर खान, लारा दत्ता, तमाम स्टार्स को आप देख रहे हैं वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन ये हमेशा कहा जाता है कि मुंबई के जो पॉश इलाके हैं वहीं पर उदासीनता है वोटिंग को लेकर। वोट प्रतिशत भी हम आपको बता रहे हैं, सुबह 9 बजे तक सिर्फ 1.54% वोटिंग हुई है। हो सकता है अब इस पहर में 9 से 10 और 10 से 11 के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए पहुंचे। आमिर खान ने वोट डालने के बाद क्या कहा है, सुनिए। तो ये हमारे राज्य के इलेक्शंस हैं, तो उस हिसाब से जो हमारे सामने जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रख के मैंने वोट दिया है। और मैं सभी को अपील करूंगा कि सब लोग आएं और भारी तादाद में वोटिंग हो, हर आदमी जो है महाराष्ट्र का वो अपना मतदान करे। वी ऑल लव आवर सिटी, वी लव आवर स्टेट, हम इस अपना राष्ट्र को खुशहाल देखना चाहते हैं। तो जो सारे मुद्दे हैं वो जो सबके हैं, जो एग्रीकल्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब हम नज़र में रख के हम वोट करते हैं। किरण मैम, हिंदी में बता दें कि क्या इस बार के आपकी नज़र में मुद्दे रहे जिसको लेकर आप वो ने वोट किया, और लोगों को क्या अपील करेंगे, युवाओं को क्या अपील करेंगी मतदान के लिए? हम सबके की एक ही एक्चुअली उम्मीद है कि हमारा राष्ट्र खुशहाल हो जाए और खुशहाल हो, सबकी जो समस्याएं हैं उनको कोई उनका हल निकाले। तो ये सब सोच के ही मैंने वोट किया, और सबको मैं कहना चाहती हूँ कि ये अपील करना चाहती हूँ कि आज का दिन है कि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें और आकर हम अपना मतदान दें। राष्ट्र के लिए कुछ करें और मतदान करें, ये कहती है किरण राव। उन्होंने कहा है तमाम मुद्दों का। अब आप देख रहे हैं लारा दत्ता और महेश भूपति की तस्वीर, वोट इन्होंने भी डाला है। और उसके बाद लारा दत्ता ने भी वोटिंग पर कहा है, तमाम फिल्मी स्टार्स सभी को ये गुजारिश करते हुए कि वोट जरूर डालिए। और यही हम भी आशक के जरिए कहते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में तो देखिए सुबह 9 बजे तक सिर्फ 1.54% ही मतदान हुआ है। सुनिए क्या कह रही है लारा दत्ता। We all love our city, love our state. फिलहाल हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आमिर खान और किरण राव की, जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में आज वोटिंग, और वैसे ही 288 सीटों के लिए महाराष्ट्र और 90 सीटों पर हरियाणा में। इधर देवेंद्र फडणवीस के लिए इम्तिहान का दिन, तो उधर मनोहर लाल खट्टर के लिए हरियाणा में। यहां पर बीजेपी शिवसेना का गठबंधन जो चुनावी मैदान में है, तो वहां पर बीजेपी, इधर कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन, वहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हरियाणा में। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी में गठबंधन में अब कितनी ताकत बची है इन दो पार्टियों में, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना या फिर कांग्रेस एनसीपी, यही आप लिखा भी देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज लोगों को यह तय करना है कि देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है 47 साल बाद, 5 साल सत्ता में रहने के बाद, क्या वो फिर से वापस आएंगे। कुछ और लोगों की बातचीत आ रही है वोट डालने के बाद, आइए आपको सुना देते हैं। बड़ा अच्छा, ये तो मेरा अधिकार है, हम सबका अधिकार है वोट करना। और फिर क्योंकि
तभी आप एक नए देश की रचना देखते हो, सरकार को मजबूती देते हो, मोदी जी के सपने को मजबूती देते हो, भारतीय जनता पार्टी के सपनों को। आप सुपर पावर बनना है आपको, और आपको तरक्की भी करना है, और आपको पाकिस्तान को चाप के भी रखना है, और हर चीज़ चाहिए आपको, तो फिर आपको जल्दी जल्दी निकलना है, सबको वोट करना है। अभी मेरी फ्लाइट है तो मैं खास आधा घंटा पहले निकली हूँ वोट देने के लिए। तो मुझे लगता है हर एक को वोट देना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग। थैंक यू। तो रवि किशन को सुना आपने, पद्मिनी कोल्हापुरी को सुना। रवि किशन तो आगे ये भी कह रहे थे कि एक संपूर्ण नए राष्ट्र की बात है, पाकिस्तान को दबा कर रखने की बात है। मसीहा बनकर नरेंद्र मोदी आए हैं, किसी को नींद से भी उठाइएगा तो वो कहेगा उठकर कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। तो इन सबके बीच वोटिंग आज हो रही है इधर महाराष्ट्र में, वहां पर हरियाणा में। लेकिन सवाल वही है कि विपक्ष में कितनी ताकत, अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की तिकड़ी जिस तरह से अपने एजेंडे को लेकर महाराष्ट्र में। एक बार शरद पवार क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरह से आज ही मैंने देखा और कई डिस्ट्रिक्ट में कॉन्टेक्ट किया, इससे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी सर। तो लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज नीचे जाता है तो क्या इसका असर आप लोग पे पड़ेगा या बीजेपी कांग्रेस शिवसेना? हमारे ऊपर कोई असर होने वाला है, इस समय हम चुनाव जीतने वाले, तो परसेंटेज हो या ना हो। कोई आप हैजार्ड करेंगे सर, कितने सीट्स आप जीतेंगे? ये तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, आपको पता रहेगा 24 तारीख को, मगर लोगों के मूल बदलाव के पक्ष में। इंग्लिश